सो गाइस फिर से अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का अपडेट आने वाला है। सो बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड होंगी, अपने डेवलपर ने बताया है। सो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना वरना आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी के चलिए वीडियो स्टार्ट लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब अपने गेम के अंदर लास्ट अपडेट आया था तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐड हुई थी, जिसके लिए भाई अपने जो गेम का साइज है वो 130 MB हो गया था। लेकिन अपने जो डेवलपर है उन्होंने बताया है कि अपने गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिमूव करेंगे, लाइक उनके टेक्सचर खराब कर देंगे और थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जिससे कि अपने गेम का साइज कम हो जाए। और साथ में अपने गेम के अंदर बहुत सारे घर उसके बाद बिल्डिंग्स वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि भाई अपने गेम के जो अंदर मैप है ना वो एकदम यार सुना सुना सा लगता है भाई। और उन्होंने बताया था कि अपने गेम के अंदर और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन ऐड होगी, ट्रैक्टर के मॉडिफिकेशन एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड होगी। और उन्होंने बताया था कि भाई अपने जो टोचैन मोड है अपने ये न्यू मैप के अंदर ऐड होगा, जो कि सिर्फ अपने पुराने वाले मैप के अंदर है, तो वो इस मैप के अंदर भी अपने टोचैन मोड को डालेंगे, जो कि एकदम खतरनाक वाला सीन रहेगा। और साथ में बहुत सारी गाड़ियां, उसके बाद बहुत सारे बाइक्स, उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ ट्रक्स को भी शायद से वो ऐड कर सकते हैं। एंड आप लोगों को जैसे कि पता है कि अपने गेम के अंदर ट्रेन जो है ना उसका 3D मॉडल बनकर तैयार था, तो शायद से इस अपडेट के अंदर अपने गेम के अंदर जो ट्रेन है वो ऐड हो जाए, जिससे कि अपना गेम यार एकदम जबरदस्त हो जाएगा। और अगर अपने गेम का साइज कम हो गया और अगर बहुत सारी चीजें न्यू और ऐड हो गई तो यार अपना गेम को खेलने में तो यार वैसे भी मजा आता है, और भी ज्यादा खतरनाक वाला मजा आ जाएगा। और भाई